तो यही आपके शहर में एक सामान्य परिवार किसान परिवार का बेटा हूँ जो बालका लेके दरवाजे दरवाजे दूध बेचता था। आप मुझे मेरा बचपना जानते हैं, मेरे ऊपर क्या गुजरी, मैंने अपना जवान भाई खोया, हमें हमारे साथ क्या दुर्दशा हुई 1987 27 दिसंबर को नाबालिग होते हुए जब मुझे गोली लगी तो लोग मिलने श्री रामवीर उपाध्याय जी के जो बहुजन समाज पार्टी में आया था और दिल्ली से जिसको मान्यवर साहब ने कहा था कि हम चुनाव लड़ाएंगे और पूर्वांचल में बढ़ाएंगे 1999 में, आपको याद होगा मुझसे कहा गया आप अम्बेडकर नगर नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह बीएसपी का काम करेंगे, अम्बेडकर नगर नहीं जाएंगे। अम्बेडकर नगर में बीएसपी और किसने जमीन दी ये आपसे छुपा नहीं है। बिना पैसे के मैंने अपने खतौनी की जमीन दी, मेरे पिताजी ने उस समय कहा नहीं तुम पैतृक जमीन दे रहे हो तुमको घर से अलग कर देंगे, बाद में उन्होंने मुझे माफ किया। ये कोई छुपी बात है आपसे? नहीं छुपी है ना। आज यहाँ ज्यादातर विप्र समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम तो यहाँ दाल में ही हैं, आप दाल में नमक भी नहीं है। 3.25 लाख में आपकी 22,000 संख्या है, फकीर कंजर कसाई से लेकर दलित समाज के 8,000 10,000 लोग, राजभर समाज के जानते हैं आपकी जब रैली निकलती थी एक एक शासन में 10-10 मुकदमे लगाए गए फर्जी, आप उसके गवाह हैं। एक दिन का कोई मेरे ऊपर कभी कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, कितने अपराध तो चार्ज में ही उड़ गए, चार्ज नहीं बन पाया। और एक सामान्य से व्यक्ति, अरे मैं तो वसुधैव कुटुंबकम का व्यक्ति हूँ, मैं चींटी को आटा डालने वाला व्यक्ति हूँ, पीपल को पानी देने वाला व्यक्ति हूँ, हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग, हम किसका, हमको हमारा तिलक चोटी बच जाए बड़ी बात। 77 में मैं कहना नहीं चाहता, जिस समाज के लोगों की बहन बेटियों की इज्जत हमने बचाई वही सामंती आज हमारे मारने का ठेका लेते हैं और उसी का मुख्यमंत्री बैठ करके हमको अकबर में रहने नहीं देता है, मैं बड़ी मुश्किल से हूँ। आज तक मैंने थाने की दलाली नहीं की, अगर किया हो तो बताइए। जब मैं विधायक होता था तो निधि नहीं होती थी, 17 गांव में 18 महीने बिजली लगवाया था कि नहीं लगवाया था, जो खड़ंजा मैंने लगवाया 30 साल हो गया विधायक हुए, वो खड़ंजा आज भी टूटा नहीं है। और आज जो खड़ंजा लगता है उसकी हालत आप स्वयं जानते हैं, डामर रोज नहीं बनती तो खड़ंजा कैसे बचेगा। 28 किलोमीटर 18 महीने मैंने खड़ंजा लगवाया था, 2 आपके सरकारी पंप आए थे, एक मुझे मिला था, एक मंत्री जी को कटेरी में मिला था। आज तो करोड़ों करोड़ रुपए आता है, लोग मंत्री रहे उनकी हालत क्या है हमारी का? मेरे पास पैसे तो नहीं है, बहुत कमज़ोर नहीं हूँ, इतना तो हूँ कि अपनी रोजी रोटी के बाद हमारे दरवाजे कोई आ जाए तो उसको भी मैं मदद कर सकता हूँ। आज मेरा परिवार अपने पिताजी के पुण्य प्रताप से, अपने कारोबार से अच्छा इनकम टैक्स पे ही इस मंडल में, और हमारी हाल तो आप जानते ही हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे भंडारा हो चाहे जो हो, हमारे में तो 10-15 हज़ार से कम जितना समाज आता ही नहीं। सुल्तानपुर में हमने जो चाहा परिणाम बदल दिया, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ और तमाम जौनपुर में मैंने सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 2 इलेक्शनों का परिणाम हमने बदला, 3rd नंबर की पार्टियों को जिताया। मैं और कोई बात नहीं कहूँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकबरपुर में समाप्त हो गई, जो जिन उनके चाटुकार लोग जो कहते हैं, उन्होंने सिर्फ अपना भला किया है, नौकरियों के नाम पे पैसा लिया है, कितने लोगों को चुनाव के समय वांट निकाल कर उन्होंने पैसा लिया और अब उनके पाप का घड़ा भर गया। हम तो जानते थे हमारा नंबर है अकबरपुर नहीं आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी संख्या नहीं है, हम वोट के मामले में बहुत विपन्न हैं, बहुत कम वोट है, लेकिन आपके बदौलत हम धनवान हमेशा रहे, हमारा वोट हमेशा टक्कर पर रहा, हमने राम लखन वर्मा को 3rd नंबर पर पहुंचाया, 2rd नंबर पर आपका बेटा। मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि उन्होंने 25 साल के वनवास की बात की, मेरा दोष क्या है, अगर आप दोष बता दे कोई समाज का आदमी कि मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा। मेरा मन भावुक हो जाता है, दुर्गा पूजाएं अकबरपुर में बंद हो गई, आप सोचिए मेरे जमाने में कैसी दुर्गा पूजाएं होती थी,
कैसा जागरण होता था। रामलीलाएं अकबरपुर में बंद हो गई, भाजपा के लोगों ने बस स्टेशन की रामलीला तक बंद कर दिया। शहजादपुर की तो पहले ही बंद हो गई थी, एक भी रामलीला अम्बेडकर नगर में नहीं होती, और राम के नाम पर चले आते हैं यहाँ काम करने। आप जानते हैं कि चित्रकूट और अयोध्या से बुला करके रामलीला कौन कराता है? मेरे रामलीला में नाच गाना नहीं होता, होता है अगर कोई गए होंगे, हमने दंड दिया है, इसके गवाह आप ही हैं। बात बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन मौका पता नहीं कब मिले। मान्यवर साहब आए हैं तो आप इतने लोग आ गए कि मैंने तो इसका आधा भी नहीं सोचा था। मैं आपका कैसे हृदय से आभार व्यक्त करूं। दो दिन की नोटिस पर मैं तो अयोध्या रहा, वृंदावन में कथा सुन रहा था, अखबार में नहीं गया, और आप लोगों ने एक व्हाट्सएप के न्यूज पर इतना बड़ा काम किया कि मैं तो आपका कैसे रिली। और एहसान तो खैर उतारने की चीज नहीं होती, ऋण होता तो उतार देता। आपने जो एहसान कर दिया, मैं जिंदगी भर आपके चरणों के नीचे दबा रहूंगा। कर्ज होता तो सूद ब्याज दे देता। आप सब जानते हैं हमने कभी किसी समाज को लड़ाने का काम नहीं किया। 8,000-10,000 राजभर हमेशा मेरे साथ रहा। कल मैं गया था सैदापुर की तरफ, लोगों ने कहा चिंता मत कीजिए, जिस कुर्मी को कहते हैं कि वो तो तुम्हारी जमानत बच जाए तो हम तुम्हारे यहाँ हरवाही करेंगे। आज मैदान में हमने तो 7 चुनाव लड़े हैं निर्दल, तुम एक चुनाव लड़के दिखा दो तो हम तुम्हारे यहाँ चपरासगिरी करेंगे, जो विद्यालय तुमने लूट के बनाया। हम किसी के व्यक्तिगत वो नहीं करेंगे, जैसा खावन वैसे रहे मन। तुम ही देख लो उनके लड़का पर तो किस बात है। कहना नहीं चाहता, ये होता है। हम इतनी तुलसी की माला पहन के चलते हैं, हमको दवा की और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती रात को सोने के लिए। आप 12 बजे रात को हमसे मिलते हैं, कभी आपने किसी व्यसन में कहीं मुझे पाया? अरे भाई काहे का, मैंने किसी के कुछ किया? मैंने किसी की जमीन हड़पी? मैंने किसी की दवा दे दे और जिस विधानसभा से लड़ा दे जहां मुस्लिम 1,20,000 हैं, पवन पांडे जीत के ना आ जाए तो नाम बदल दे। हमको तो सब मिलके हरा। मैं आपको गुरुजी ये वचन दे रहा हूं कि आपका प्यार दुलार हमारे सर पे ज्यादा नहीं मिला। हम एकलव करते रहे, हम आपके करीब कभी आए नहीं। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, क्योंकि मेरा इतना खर्चा है कि मेरे कमाई में अटबल नहीं करता। और खर्चा कोई गलत नहीं है, मैं भागवत भंडारा कराता हूं, मैं रामलीला कराता हूं, मैं गरीबों के परिवार में उनको पैसे देकर के उनकी बच्चियों की शादी कराता हूं, और जो मरीज आता पूरे कोरोना में हमने 20 सिलेंडर रोज ऑक्सीजन का बांटा है अपने पैसे से। कालखंड में चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो प्रयास रहा है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य रहा, मैंने किया। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़े में अपनी बात कहूँ, गाँव गाँव आके अपनी बात कहूँगा। चुनाव के ये मत सोचिए कौन पांडे नहीं लड़े, जानते हैं ना आप, कोई कहता हूँ वहाँ से लड़ जाओ वहाँ से लड़ जाओ, लेकिन हम राजनीतिक समझौता वो करेंगे जिसमें आपका तिलक, आपकी चोटी, आपका सम्मान रहे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।